अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, एक सैगमेंट सोने सामने ऐसा पेश किया सा राजा गुलफराज साहब ना सो की कार असा दसिया सा, और कार वैसे भी बड़ा खाब होना, और उत्थें असों आखिया सा कि इन्होंने आप पर एक और ऐसा प्रोग्राम सोने सामने रख सा जिस विच इन्हें शख्सियत ने कुछ पोशीदा पहलू है उन्हें की सामने आने की कोशिश कर सा। तो राय साहब असा नाल मौजूद है, गुफ्तगू ना आगाज़ करने आ सको। राय साहब सर, राय साहब माशाल्लाह जी एक अल्लाह ताला सो की इज्जत दीती, रिस्पेक्ट दीती, तो लाजमी गल ही कुछ कुछ डिलीवर किया उसी अदा दीती है। जिंदगी ने शुरुआत किस तरह हुई, एजुकेशन किस तरह हुई, अगे मुलाजमत किस तरह हुई? छेवीं तक तो पहले तो चिटकोट स्कूल ही प्राइमरी तक पढ़िया, फिर लोरा छेवीं तक किते, फिर मैं सतौड़ा चला गया, उत्थे पढ़ के मैट्रिक करके तो मैं चला गया कराची, बड़े भाई से उन्होंने को उत्थे फिर मैं ड्राइविंग सीखी है, फिर मैं स्टार्ट ड्राइविंग तो किया, एक वैगन चला सी मैं लाहौर टू पेशावर, तो उस तो बाद करते करते फिर मैं 65 विच आर्मी भर्ती हो गया, आर्मड कोर 23 कैवलरी सी साड़ी, उस विच उसी मैं सर्विस की 5 साल, फिर उतू मैं मतलब रिलीज ले ली, फिर मैं डायरेक्ट उतू ही मेरे एक कर्नल से बहुत अच्छे आदमी से उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने पी आई मैंने भर्ती करा दिता है एज एम टी सुपरवाइजर, उत्थे रहा, उतू फिर मैं चला गया ईरान, कुछ अर्सा ईरान लाया, मगर पी आई तनख्वाह साड़ी ज़्यादा सी बनिस्बत पी आई नाल, पी आई ज़्यादा सी ईरान नाल, फिर असी वापस आ गए, मैं तक मेरा दोस्त सी, असी सऊदी अरब चले गया, फिर 52 साल सऊदी अरब ही लाया। जिंदगी सो बड़ा फास्ट ना किया, एक तहसील बिच सो प्राइमरी की है, दुई बिच गई सो मिडल की है, जी आज नहीं तहसील ही मतलब, और उस तो बाद कराची और फिर लाहौर टू पेशावर रोड, फौज भी नाल, तो फिर उस तो बाद पी आई ए भी, तो फिर सऊदी अरब। जी हाँ बिल्कुल, सऊदी अरब लिया, तो उस तो बाद सऊदी अरब में गया, तो अलहमदिल्ला से कोई तकरीबन 32 ड्राइवर सन जोड़े असी डेजर्ट गए, जिस कंपनी की फ्रांस की कंपनी से पेट्रोलियम कंपनी वो सर्विस की है, उत्तर टेस्ट होया था एज ए कन्वाई कमांडर, उन्होंने मैंने सिलेक्ट किया है, तो अलहमदिल्ला फिर 11 साल बाद प्रोजेक्ट मैनेजर उत्ते गया, वो मैंने एड एफ सी लाया एज ए परचेजर, मतलब मेरा अच्छी कारकरदगी सी, वाह सारे ना पैंदा सी, ते सारी सर्विस उत्ते की, उतू फिर अल्लाह ताला ने मैंने बड़े चांस दिते ने पाकिस्तान नू बंदे खड़न दे, बड़े लोग लै के इतों गया अलहमदिल्ला फीस बिल्ला, तो उत्ते लोगों नू खुद झाड़ू मार के इन्हां नाल ज़हन थोड़ा साफ ही करता रहा नाल नाल, और हर आदमी ने रिक्वेस्ट की थी कि इतने में आते थे एक एक तुसी लियाओ तो साड़ा इलाका पूरा, तो अलहमदिल्ला हूँ तो सारे शहूर आ गया, लोग हर बंदा अपने अपने सोर्स ना जानता है पाया, तो साड़ा इलाका जोड़ा है मतलब फर्स्ट क्लास अलहमदिल्ला अपना गुजारा बेहतरीन कर रहा है। मतलब कड़ी सन विच आपू गए सऊदी अरब, और फिर कड़ी सन विच इतों इब्तदा की दी सी? मैं नवंबर 1977 गया सऊदी अरब, तो उस तो बाद फिर तकरीबन 50-51 साल उत्थे रहा, उस तो बाद मैं अमरीका चला गया, बेटा उत्थे हुंदा सी, ते उत्थे 8-9 साल रह के फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया। बिल्कुल सही। इस वक्त तक तकरीबन कितने लोगों की सुआ अकोमोडेट करवाई चुकी है? मेरे हिसाब से कम अज़ कम ही 5-6 हज़ार तो ज़्यादा होंगे, घट नहीं होंगे, 5-6 हज़ार तो भी ज़्यादा उसने इंशाल्लाह। मतलब 5-6 हज़ार घरानियाँ की सुआ कम अज़ कम अपने पैरों पर खड़ा करी सके? सेरा, अतरशीशा, इब्टाबाद, हवेलियाँ, हरीपुर, ए लोरा, लोरा तो खैर एरिया सारा, जितना गमीर जितने इलाके ने इर्द गिर्द नाड़ा सतौड़ा जितने सारे लोगों, जोड़ा भी मेरे को आया चाहे नाई है मोची है कोई भी है, अलहमदिल्ला 30-40 साल ला के आए, तो कई हाली भी स्टिल उत्थे लगे हैं कम करते हैं। पे मेन पावर कंपनी सी सोनी? नहीं साढ़ा असी पेट्रोलियम कंपनी में एज ए इंप्लाई सा, एज ए ड्राइवर तो गया सी, फिर उस तो बाद मैं परचेजर रहा 9 साल, उस तो बाद एज ए परचेजर मैनेजर बनया, उत्थों फिर मैं रिटायर होया, तो फिर मैं अपना काम उत्थे करता रहा, मतलब प्राइवेट अपना काम, उन्होंने कंपनी मटीरियल सप्लाई करता सी, बीजेपी कंपनी सी चाइना दी, एक पाकिस्तान विच काम कर गई है, सी जी जी कंपनी वो भी पाकिस्तानी पेट्रोलियम का काम कर गई इन्हें दोनों, तो अल्लाह की शुक्र है। अच्छा जेडे लोग इतों सो खड़ने से उन्हें मोटिवेट किस तरह करने से, क्योंकि अमूमन असं इतने चिट्टे कपड़े लाई तो फिर कोशिश होनी कि खास बारी ना करा। मैं अर्ज करा कि जल्द पहुँचते सर तो इन्होंने नखरा तो तुम्हें पता था अपने, फिर सारे है भी जान पहचान वाले तलक वाले भी लोग सन, तो उत्थे फिर मैं खुद जी कम करने से पहले मैं अपने हाथों नाल करके
इन्होंने दसना सी यार काम में कोई भी गुनाह नहीं। यकीन करो मैं खुद झाड़ू फेर के ग्राउंडों में जो इन्होंने दसना सी सफाई करो कोई फर्क नहीं पैदा करके इन्होंने दसिया। फिर ट्रेनिंग तो देनी फिर कोई ऐसे बंदे भी सर मैं कैंप ही जा के इतू कंपनी मेरी बड़ी अच्छी साबता सर अलहमदिल्ला गोरे मेरी बड़ी रिस्पैक्ट करते सर जो मैं कह मैं कर यानी कि आल एंड आल में होता कि मैं दिन रात कम करता सी। फिर मैं कैंपा ही जाके लोगों उत्थे जाके ट्रेनिंग देता सी ते मेरे को एक्सपीरियंस काफ़ी सी अलहमदिल्ला। उस तो बाद फिर वो काफ़ी लोग साढ़े कुछ शायद नज़र कोई बंदा वापस जरा बदकिस्मत ही उसी वापस आया उसी नहीं तो लोगों ने पैसा कमाया है। इसे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने एक दो मकान त्रै ना हो जिन्हों 80-90 हज़ार रुपया पर मंथ इनकम है अलहमदिल्ला करते हैं तो जिन्हें नहीं बचाया तो उन्होंने नहीं बचाया बस ऐसा हिसाब का माशाल्लाह बड़ी गल ही रही सब ये दसा कि कुछ मोटिवेशन भी दिती है या कि डिस्करेज ही करने रे नहीं बस अच्छे भी से बीच बहुत लोग से बड़े तावन से मैं तुम दसागे कि थोड़े ना बंदा ने वो बेसिकली नाई भी सी तह कमा रहे बेसिकली उसमें मैं लै गया यानी इतना अच्छा लड़का वो निकले कि आतू ज्यादा वो अपना कम दिन रात सारी दिहाड़ी ड्यूटी करना रात नहीं गोरिया नहीं तो पाकिस्तानी बाल कट्टना सी उत्ते उन्हें इन्ना पैसा कमाया कि इसलिए इस्लामाबाद उसका अपना होटल है बेहतरीन हरिपुर उसने अपने जड़े ने हमाम है गड्डियाँ उस रखी चार पाँच परसों भी उस मैंने मतलब फोन किया हर वक्त वो मेरे नाल अटैच है यानी इतने अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे थे तो बिच वो भी लड़ाइया झगड़े तुम्हें पता अपने मुल्क का मगर जोड़ा भी लड़ाई करके आता सी मैं इतने कर भी बैठे वहाँ मैं फोन करा के उसको फिर वापस करवा देता सी। ठीक है राय साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं आपने लोगों की क्यों क्या कर सर मैं तो हर आदमी को कहता जितनी मेहनत करके उसने फल पाओगे मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मेहनत कर अल्लाह ताला भी थोड़ी मदद करेगा तो अगर भी जिस कंपनी जाओगे जिथे भी जाओगे वो आदमी थोड़ी रिस्पेक्ट करेगा मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है मेहनत करनी चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए ऑनेस्ट होकर कम करो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इतना कुछ तो देगा कि तुम संभाल नहीं सकोगे बिल्कुल सही। लेकिन क्या असें सिर्फ मजदूर लेबर ही पैदा करनी या कि कुछ हुनरमंद भी भेजने हुनर सर बहुत जरूरी है हुनरमंद होना हुनरमंद होना बहुत जरूरी है मगर सारे लोग नहीं भी होते ने कई ऐसे लड़के ने मैं तुम्हें अपनी मिसाल देना कि मैं एक ड्राइवर गया सी उस कंपनी में इतनी मेहनत की थी कि जिस मक्खन बाल गड़ी से कट के एक प्रोजेक्ट दूसरी जगह उत्थे भी सैट करते सन और जोड़ा प्रोजेक्ट नवा होना सी सब तो पहले मैं जाता सी पूरी दूसरी सैटिंग गोरा नहीं सी जाता तो उत्थे असी एक दफ़ा मदीने शरीफ साढ़ा प्रोजेक्ट सी असी उत्थे कैमरे लाने से जलजला सी तो कितने घंटे पहले पता लगना चाहिए कि इस एरिए जलजला आएगा तो साढ़े नाल फ्रांसीसी वो अचानक बीमार हो गया अल्लाह की करम नवाजी नाल उस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट किया जाके इतना मैं एक्सपीरियंस है माशाल्लाह मतलब इस वक्त तक आसाना कम अज़ कम लोरा जड़ा आ वो खासा खुशहाल और इन्हीं वजूहत नाल खुशहाल बिल्कुल जी लोरे के बंदे में खड़े ने जो तो मिल भी सकते गल भी कर सकते बड़े अच्छे सैट रहे ने काफ़ी अरसा ला के भी आए ने तो जो आप खुद खुशहाल उन्होंने कहा जी असं ये कम ही कर सकते हैं जी साढ़े को इन्नी अमाउंट है वो वापस आ गए ने और 30-40 साल लोग ला के आए हैं तो अलहमदिल्ला ठीक है हूँ अगर सब तो बड़ी नहीं जो लोगों ही शहूर हो गया है वो अपना बच्चा है भतीजा है चाचा भाई कोई भी उसू नाल नाल एजेंसियों को भेजते रहते हैं और मैं हूँ भी बंदे जोड़े इतों ग्रां जाते हैं मेरे जो कॉन्टैक्ट कर रहे मैं अपने दोस्त हैं साड़ी अपनी भी एजेंसी है मगर मैं ज़्यादा उस तरह उन्होंने कटता ही रहता कि किसी ने फ्रॉड ना हो अलहमदिल्ला जाते हैं ठीक कामयाब जा रहे हैं अल्लाह का लख लख शुक्र है। बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया शकील भाई असर नाल मौजूद है एक और ओपी है माशाल्लाह दुबई भी जड़ा है बड़ा अच्छा सर्व करने शकील भाई अपने जो नौजवान इतों गश्ते उन्हें किसी को मैसेज दे सर जी। अस्सलाम वालेकुम सब तो पहले तो माड़ी जिंदगी हूँ तकरीबन 43-44 साल हो गई तो स्कूल ने टाइम नहीं खाए सी कि राजे साहब न एक बैठक हुआ है इन्होंने कम अज़ कम कुरै मुलाकात हुई और जिंदगी में पहली दफ़ा मौका मिली भी गया तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं तो इन्होंने इस वजह शुक्रिया अदा करना चाहना कि माड़े इर्द गिर्द जितने भी लोग से या जो माड़े क्लास फैलो से अलहमदुल्ला इन्हें वजह नाल काफ़ी सैट होए तो बाकी मैसेज ये देना चाहना है कि अगर राज साहब ने अगर पूरी गल की तुसा गौर नाल सुना तो तुसा कि दो त्रै चीज़ा बड़िया वाजे नज़र रखनिया उसने एक तो तुसने वालदेन ना यानी कि दुआन होना बहुत जरूरी है और उसने नाल नाल यानी कि तुसा खुद अगर कुछ बनना चाहने तो उस माहौल ही तुसा कितनी मेहनत करने अपने आप की कितने उस माहौल ही जड़ा ना तुसा बाई
ते कितना जल्दी कोई चीज़ सीखी सकने आ उस सिखा अगर अगर निकलना आया था। अगर एक बंदा ड्राइवर निकली तो कम अज़ कम 5-6 हज़ार गराने ना मतलब आसानियाँ पैदा करी सकना तो तुसा वास्ते भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं। लेकिन अगर तुम मुस्बत सोच रखी तो टुरसा तो माड़े ख्याल ही कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं। और उस तो बाद जी एक राय साहब गल की कि अगर तुस इतू निकलने तो अगर बहर गच्छी था अपने कंफर्ट जोन जरा तुसा ना उसी चू बहर नया निकलने आराम की तरजीह देने तो डेफिनेटली तुस अगर नया निकली सकने। तो फिर उसने यही आना कि 2 साल या 4 साल बाद जिस तरह तुसा गच्छने उस तरह तुम मुड़ी वापस अच्छना पी गच्छना। और फिर यह कि बहर खड़ने वास्ते भी कोई भी बंदा तुसें हेल्प करना तो एक कम आसान नहीं होना। एक बड़ा लम्मा एक प्रोसैस है जिस चू गुजरना पैना जो बंदा तुसें मंगवाना ते अगर उसनी मेहनत तुसें पीछे देखा तो तुसें कुछ फील हो सी। और दूसरा इन्हें गल की कि अगर ओवरसीज तुसें गच्छने कम अज़ कम अपना किसी भी कंपनी इतना मुकाम बनाओ कि कम अज़ कम एक दो बंदे या त्रै बंदे जिस तरह नहीं हो सके अपने सोर्स उपर तुसें उस बंदे की एडजस्ट करने की कोशिश करा। तो इे तुसें अपने मुआशरे वास्ते करी सकने और इे जरूरत इस वेल्लै टाइम नहीं। और खास करी ते सब तो इंपॉर्टेंट गल कि तुसने कोल कुछ होना बहुत जरूरी है। तुसें खुद किसी जगह अप्लाई करने तुसें इन्ना पता होना कि असें फील्ड केड़ा चुनना चाहिए असें की केड़ी जगह गछना चाहिए। ये बहुत मैटर करना कि पहले तुसें अपने आप की किसी से तैयार करा कि आया असं सिविल गछना असं प्लानिंग गछना असं किस गछना असं केड़ा फील्ड अगर चुनना अकाउंट्स गछना तो फिर तुसें की मतलब है तुसते आसानियां पैदा हो सकनियाँ। तो सब तो बड़ी गल कि मेहनत करा तालीम होनी चाहिए और जिथे भी गछा अपनी कंपनी मीन अपना जो इंप्लायर है उसने तुसा अपना एक मकाम बनाओ। कल तुसें कि वह दिखी तो तकरीबन 2-4 बंद और कि भी तुम कम अज़ कम तुम जल्द उस अगर रिक्वेस्ट करा तो वह तुसनी रिक्वेस्ट की सुने सिर्फ तुसनी परफॉर्मेंस नहीं वजह ना। तो बहरहाल अच्छा लगा अज राज साहब ने बेने माड़े बड़े है और यकीन बनना कि मैं इन्होंने एक मिशन आ उतना बड़ा मिशन तो असल नहीं हो सकना उतने बड़े तो ना। लेकिन यह कि कम अज़ कम जो नौजवान जो पहले पढ़े लिखे हुए खास करी तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर सा कि इन्होंने मिशन सा जिता तक इन्हें किया हूँ भी करने लेकिन यह बेड़ा अस कि अगर मिली जुली सारे टुरना चाहिए ता जो ये मामला जोड़ा है ना अपने मुआशरे ने अंदर थोड़ी बहुत ही बेहतरी जी है वो होनी चाहिए मजीद। बहुत बहुत सुनती राय साहब ने भी शकील भाई ने भी ओ पी जोड़े थे और बेसिकली इस मुल्क ने पहिया चलाने आप भेजने तो अपने घर भी चे लेकिन उन्होंने भेजे वो पैसे जोड़े होने उस नाल मुल्क चलना। मैं एक गुजारिश जरूर इतू कर सा हो सकता सी नुकसान वै रुपये ना वै 2 रुपये ना वै 3 रुपये ना नुकसान वै मैं बिल्कुल इस तू मनना है लेकिन अपना पैसा जितना भी है वह बैंकों ने जरिए भेजा ताकि ये आसना मुल्क चली सके। जितने लुटने वाले से वह लुटी रहे खाने वाले अज भी खाने अस उनकी रोकी ना सकने लेकिन मुल्क थे तो अस थे हाँ। और इस सब तो बड़ा पैगाम ये कि अगर हो सके अपने जितने पैसे थे नहीं थोड़ा जहा अपना नुकसान बेशक करी गा लेकिन तुसने उस थोड़े जे नुकसान ना इस मुल्क ना बहुत बड़ा फायदा उसी। इजाज़त दिया अल्लाह हाफिज़।